हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया? पढ़ाई चल रही है बेटा? मन से पढ़ना, समझ के पढ़ना और टेंशन नहीं लेना। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर, और ये ग्रेजुएशन का बहुत इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर होता है, बीएससी में भी और एमएससी में भी और इंजीनियरिंग में भी। देखो, अभी हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, है ना? और फिर धीरे धीरे करके मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ाऊंगा, फिर हम लोग और भी नई नई बातों को सीखते जाएंगे। देखो, मैंने आपको क्या समझाया था बेटा पहले वीडियो में, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले देखना पड़ता है कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, ऑर्डनरी है, पार्शियल है, या उसका ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले तो हम ये समझें आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं। तो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जिसमें, देखो जैसे क्या होता है, जब हम कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे हम मान लो लेते हैं y बराबर फंक्शन ऑफ x, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन या y बराबर एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x, है ना? ऐसा मान लो हमने कोई फंक्शन लिया, तो इसमें वाई को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स को कहा जाता है इनडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? तो जैसे वाई जो है ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रही है, और एक्स क्या होता है बोलो? इनडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? ये क्या होता है? इनडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि देखो ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इनडिपेंडेंट है। तो बच्चों, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की, देखो जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो। जैसे कि मान लो, अगर हम मान लें कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो क्या है मतलब, एन इक्वेशन हैविंग, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मतलब इसमें dy/dx का टर्म होना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि टर्म ऑफ dy/dx का टर्म हमें दिखना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिंगल होता है हमेशा। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे एक्स की जगह हो सकता है वाई, ऐसा हो कि वाई हो एक्स क्यूब माइनस 3x² z + u। तो देखो, वाई जो है वो एक्स, जेड और यू पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वाई अकेला है ना? तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो सिंगल होता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा सिंगल होगा, अकेला होगा, है ना? लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे इंडिपेंडेंट क्या हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया, यू हो गया, ये बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, यहीं से दो प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल तो सिंगल ही होगा, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अरे यार समझ जाना, मतलब मैं कई बार शॉर्ट में लिखता हूँ तो कुछ एक दो अल्फाबेट्स खा जाता हूँ, तुम समझ जाना। ये मत समझना सर को स्पेलिंग नहीं आती यार। अरे यार, सर को पढ़ाते हुए जिंदगी बीत गई, है ना? इंडिपेंडेंट, है ना? चलो फिर से लिख देता हूँ कायदे से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्चुअली मेरा ध्यान ना बेटा समझाने पे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे सब कुछ लिख लाते हैं फिर डिक्टेट कर देते हैं, तो वैसी पढ़ाई बेटा मुझे नहीं करानी है। वो तो तुम खुद भी कर लो, किताब सब कुछ लिख लो, खुद ही अपने आप को डिक्टेट कर लो, इससे क्या फायदा। मैं पूरा डिटेल से बेटा समझा कर पढ़ाता हूँ, तो मेरा ध्यान समझाने पर ज्यादा होता है, बाकी मैं बोलता रहता हूँ ना क्या लिखा है साथ में। अब देखो, इनडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सिंगल है, अकेला है, तो ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल तो सिंगल सभी में होगा,
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें डी बाई डी एक्स सभी में सिंगल ही होगा। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है तो उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। देखो मैंने ये ले लिया, या मैं ये ले लूं डी वाई बाई डी एक्स की पावर थ्री इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर फोर। देखो यहां पर भी y भी अकेला है और x भी अकेला है, ठीक है, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो सिंगल है, खाली x है, वो खाली x है और y भी अकेला है, मतलब y की जगह दो दो अलग अलग डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ही डिपेंडेंट वेरिएबल जो है बेटा वो सिंगल होना चाहिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट भी सिंगल है तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है, अगर मान लो इंडिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल्स जो है ना ये मोर टू या मोर देन टू है, टू और मोर देन टू, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कि अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी कहीं ज्यादा है, जैसे कि मान लो ऐसा मैं ले लू डेल टू वाई वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक्स और जेड दो दो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, ध्यान रखना डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना ये हमेशा सिंगल होगा। तो इस तरीके से बेटा हम पहचानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है या पार्शियल। और वैसे पार्शियल में ये डेल वाले टर्म आते हैं, इनको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसमें कैपिटल डी आएगा टोटल डिफरेंशिएशन, ये ऑर्डिनरी होगा हमेशा, ठीक है, ऑर्डिनरी में d आएगा, d d by dx, d by ds का होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ भी हो सकता है, डबल डेरिवेटिव भी हो सकता है, सिंगल डेरिवेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो टोटल डिफरेंशिएशन आएगा। इसमें क्या आएगा पार्शियल डेल वाई बाई डेल एक्स डेल वाई बाई डेल यू डेल वाई बाई डेल जेड इस टाइप का आएगा। अब देखो इसमें जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो x भी इंडिपेंडेंट है, z भी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, और डिपेंडेंट मतलब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो जैसे वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई क्या है डिपेंडेंट, तो वाई जो डिपेंडेंट है वो हमेशा सिंगल ही होगा हर डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन इंडिपेंडेंट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट एक है तो इस प्रकार की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और अगर इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा है तो ये होगी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी एग्जांपल आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, बस समझे। तो सबसे पहले बेटा हमें ये पहचानना होता है कि मैंने बताया था कि हमारे सिलेबस में कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको ऑर्डिनरी पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको पार्शियल भी पढ़ाऊंगा। ऑर्डिनरी और पार्शियल दोनों में साथ साथ भी शुरू कर सकता हूँ, दोनों की सेम अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके देखूंगा जैसा भी होगा, लेकिन मैं जल्दी ही दोनों चीज़ें एक साथ शुरू करूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा अब देखो बच्चों क्या है इसके बाद, ये हो गया पार्शियल और ऑर्डिनरी का चक्कर कि भाई पार्शियल क्या है ऑर्डिनरी क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरी चीज हमको पहचाननी होती है लीनियर और नॉन लीनियर। देखो ये समझो कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ऐसा होता है अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार से लिखें, मतलब जैसे कि सबसे पहले जो डी बाई डी एस का सबसे बड़ा टर्म हो उसको लिखो, सबसे बड़ा टर्म है ना डी बाई डी एस का उसको लिखो, मान लो साथ में कुछ कांस्टेंट है, और फिर उससे छोटा टर्म लिखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर और छोटा टर्म लिखो डी वाई डी एक्स लिखो, फिर कुछ मान लो पी लिखो ऐसे।
मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप इस तरीके से लिखें, ठीक है, एक ऑर्डर में, तो इसमें देखो जो टर्म है, समझो जरा ध्यान से, जैसे a1 है, a2 है, a3 है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ध्यान दो, आप देखो ध्यान दो, कभी भी इस इक्वेशन में, कभी भी इस इक्वेशन में y स्क्वायर या dy स्क्वायर या y क्यूब या y की पावर 4 या dy dx का होल स्क्वायर या dy dx का होल क्यूब या d2yy dx स्क्वायर का होल स्क्वायर d2yy dx स्क्वायर का होल क्यूब या फिर y इंटू dy dx या फिर y इंटू d2y dx स्क्वायर, इस प्रकार का टर्म नहीं दिखना चाहिए। अगर इस प्रकार का टर्म है कोई भी इनमें से एक, तो अगर इस प्रकार का टर्म है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हो जाती है नॉन लीनियर। अगर इनमें से कोई भी टर्म हमको दिखे, मतलब देखो यहां पर ऐसे a1 है ना, अब देखो ऑड में से डिफरेंशिएशन ज्यादा बार तो हो सकता है लेकिन उसका होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे d2y/dx स्क्वायर तो हमें दिख सकता है, ये तो हुआ कि भाई डिफरेंशिएशन हमने ज्यादा बार किया, लेकिन इसका होल स्क्वायर या होल क्यूब नहीं होना चाहिए। d3y/dx क्यूब भी हो सकता है लेकिन इसका भी होल स्क्वायर या होल क्यूब नहीं होना चाहिए। d4y/dx की पावर 4 भी हो सकता है लेकिन उसका भी होल स्क्वायर या होल क्यूब नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब डिफरेंशिएशन तो ज्यादा बार हो सकता है। ऐसे इसी प्रकार देखो y2y³ सिंगल y हो सकता है। मतलब देखो जो हमने यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है इसमें a1 a2 a3 ठीक है, ये या तो कांस्टेंट होंगे या फिर x के टर्म में होंगे, ठीक है। a1 a2 a3 कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अगर a1 a2 a3 कांस्टेंट हुए तो उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और अगर a1 a2 a3 x के टर्म में हुए, y के टर्म में तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो मैं a2 को y कर दूं तो y into this हो जाएगा, और y into this आते ही ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर, है ना। तो y तो हो ही नहीं सकता, तो a1 a2 a3 या तो कांस्टेंट होंगे या x के टर्म में होंगे। अगर a1 a2 a3 कांस्टेंट है तो इसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो हमारे सिलेबस में है ना, बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में होता है ये। अगर a1 a2 a3 जो है वेरिएबल है तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, और ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज में पार्ट 2 के सिलेबस में होता है, बीएससी पार्ट 2 में। तो ध्यान देना, इस प्रकार का टर्म या मतलब किसी भी डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर या होल क्यूब, डबल डिफरेंशिएशन का भी होल स्क्वायर या होल क्यूब, ये आपको यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। ना इस प्रकार के दो टर्म, कोई भी इस प्रकार के दो टर्म मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए, y इंटू दिस या y इंटू दिस या y स्क्वायर इंटू दिस, तो इस प्रकार के दो टर्म आपको मल्टीप्लाई में नहीं दिखना चाहिए। तो अगर ये टर्म दिख गए तो कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलो, नॉन लीनियर, अगर ये टर्म दिखते हैं तो, और अगर नहीं दिखते हैं तो लीनियर। देखो जैसे ये क्या है, लीनियर है, और ध्यान रखना इसमें y क्या है, y है इसमें, ध्यान रखना बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैंने अभी आपको बताया, और x क्या है बोलो, इनडिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, बस समझे। तो जरा इन बातों का यहां पर हमें ध्यान रखना है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ और भी बातें, इसको लिखो जरा ध्यान से, मतलब खास तौर पे y स्क्वायर y क्यूब या dy/dx उसका स्क्वायर उसका क्यूब या d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर होल क्यूब, ये या इस प्रकार के दो टर्म का मल्टीप्लाई, ये सब कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखेगा तो वो क्या होगी, नॉन लीनियर, ठीक है। देखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख है एक छांव धरती
आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। देखो जैसे कि मान लो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर वाई बराबर जीरो। अब बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। देखो ई की पावर एक्स समझते हो ना, इसका एक्सपेंशन ये होता है बेटा, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन देखो ये होता है। तो ई की पावर वाई का एक्सपेंशन क्या होगा, वन प्लस वाई अपॉन वन फैक्टोरियल, वाई स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। अब देखो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो वाई वाई स्क्वायर का टर्म आ जाएगा ना, वाई स्क्वायर आता है ये क्या हो गई नॉन लीनियर, क्योंकि वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो गई बोलो, ये हो गई नॉन लीनियर। बस समझे, जैसे कि इस प्रकार के एक्सपेंशन, जैसे साइन एक्स होता है, साइन वाई का भी एक्सपेंशन होता है, वाई माइनस है ना, ध्यान रखना ये सब। साइन एक्स का भी एक्सपेंशन होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कॉस एक्स का भी बेटा एक्सपेंशन होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है ना। देखो जैसे मान लो मैं ये लू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखो जैसे यहां पर y अपॉन में है तो पहले इसको सही से लिखो, y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, y इंटू डी बाई डी एक्स और प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखो y इंटू दिस आ गया तो y इंटू दिस आते ही क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, y इंटू दिस आते ही क्या बन जाएगा, ये नॉन लीनियर बन जाएगा। समझो, बस समझे। तो हमेशा जो टर्म अपॉन में है ना उसको इधर देखना है, मतलब वो उस फॉर्म में होनी चाहिए, अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए। अपॉन में अगर हुआ तो फिर पहले उसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बोलो, ये नॉन लीनियर बन जाएगा। मान लो मैं ये लेता हूं टी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। अब देखो ऐसे मैंने ये लिखा, अब देखो ये लीनियर है, देखो सिंगल डी वाई डी एक्स है, सिंगल वाई हो सकता है, एक्स से खैर मतलब ही नहीं यहाँ पर, वाई के टर्म देखते हैं। तो ये कैसी है बोलो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, अब लीनियर जो है बेटा वो ऑर्डिनरी भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है, बस समझे। तो कई चीजें मैंने बताया एक साथ देखनी पड़ती है, ऑर्डिनरी है या पार्शियल है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है ऑर्डर एंड डिग्री। अब देखो जरा बच्चों ध्यान दो, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन में आपको, कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे कैसे पढ़ना है। देखो ध्यान दो बच्चों, अब आने वाले कुछ वीडियोस जो हैं वो मैंने क्लास ट्वेल्थ में आईआईटी के लिए बनाए थे, एक्चुअली वो हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है, इसमें जैसे कई चीजें आती हैं। देखो जैसे इसमें आता है हमारा वेरिएबल सेपरेबल आता है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल आता है। फिर इसमें आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फिर इसमें आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब मैंने क्लास ट्वेल्थ में आईआईटी के लिए बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो वही वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा इन सबको पढ़ने के लिए। और मैंने ऑर्डर और डिग्री भी उसी में समझाया हुआ है डिटेल से, कि ऑर्डर डिग्री क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे की चीज़ें पढ़ाऊं, क्योंकि वो वीडियो आईआईटी के लिए बने हैं, बहुत डिटेल्ड वीडियो हैं, और वही आपके एग्जैक्टली पार्ट वन के सिलेबस में भी हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें तीन पार्ट आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। तो ये चीज़ें एग्जैक्टली मैंने आईआईटी में पढ़ाई हुई हैं और बहुत डिटेल वीडियो हैं, तो वही वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया, हो सकता मैं बार बार उन वीडियो में ट्वेल्थ और आईआईटी की बातें करूँ, है ना, तो उससे परेशान मत होना, वही तुम्हारे बीएससी पार्ट वन में एग्जैक्टली वही सिलेबस है, कुछ नया नहीं है। और हाँ, इसके बाद फिर अगला आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां से मैं
पढ़ाना आपको बीएससी में शुरू करूंगा। ये वीडियो डिग्री और ऑर्डर भी मैंने उसी में डिटेल से समझाया हुआ है। तो अगले आने वाले वीडियो 12th के हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली आपके बीएससी पार्ट वन का वही सिलेबस होता है, तभी मैं वही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं उनको पढ़ाऊँगा तो फिर मेरा 15 दिन का समय खराब होगा। मैं टाइम नहीं खराब करना चाह रहा हूँ। जब मैं एग्जैक्टली वो वीडियो बना चुका हूँ, हो सकता है मैंने 12th और IIT के लिए बनाए हों, लेकिन वही आपका पूरा बीएससी पार्ट वन का भी सिलेबस है। तो आगे मैं वही वीडियो पूरे अपलोड करूँगा, ठीक है, परेशान मत होइए। तो वो करीब 6-7-8 वीडियो होंगे, वो अपलोड करूँगा, तो उनको पढ़ लेना। उसके बाद फिर मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ के बाद फिर 12th का कोर्स ख़त्म हो जाता है। फिर एग्जैक्ट आएगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन वन ऑर्डर आएगी, मोर देन वन डिग्री आएगी, फिर इक्वेशन क्लेरेट आएगी, सॉल्वेबल फॉर पी आएगी, सॉल्वेबल फॉर एक्स एन क्यू वाई आएगी, उसके बाद फिर अपना लीनियर आएगी, नॉन लीनियर आएगी, सारी बातें आएंगी। तो मैं आपको फिर एग्जैक्ट से पढ़ाना शुरू करूँगा, लेकिन अगले जो वीडियो आएंगे करीब 8-10, वो आपको वही 12th वाले हैं, और पढ़ना है वो पूरा सिलेबस आपको वही है, बल्कि IIT का स्टैंडर्ड बेटा और अच्छा होता है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। तो आगे फिर आपके सामने जो वीडियो आएंगे वो सारा मैंने बता दिया आपको, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।